हेलो एवरीवन, तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज बात करने वाले हैं हम एक न्यू कॉइन के बारे में जिसका नाम है बिटगैट। और गाइस, ये यहाँ पर आप लोगों को कितना रिटर्न दे सकता है, क्या ये कॉइन आप लोगों को बाय करना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, क्या इसका यूज़ केस है, किस तरह से मार्केट में काम कर रहा है, सप्लाई कितनी है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग सोच रहे हो इसके अंदर इन्वेस्ट करने का, या फिर आप लोग इन्वेस्ट कर चुके हो ऑलरेडी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले ये कॉइन जो बना हुआ है वो BRC20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट BSC चैन पे बना हुआ है। एंड गाइस, यहाँ पर ये बनाया क्यों गया है, तो फास्टेस्ट एंड लोवेस्ट फीस सिक्योर स्केलेबल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम। ये कहता है कि जो इसकी स्पीड है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। बिटगैट इज ए क्रिप्टो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बिल्ट ए सुपर फास्ट ब्लॉकचेन। सुपर फास्ट ब्लॉकचेन यहाँ पर ये बिल्ड कर रहे हैं, और इनकी जो स्पीड है वो 100K ट्रांजेक्शन पर सेकेंड एज ए लॉक कॉस्ट, जीरो फीस। यहाँ पर कोई फीस नहीं है। अगर हम फीस की बात करें तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे जीरो है। उसके बाद यहाँ पर $1 की फीस लगती है, तो फीस बिल्कुल नहीं है। 100 million ट्रांजेक्शन विद ए जस्ट $1 वर्थ ऑफ प्राइस। अगर आप लोग किसी को $100 million भी यहाँ से इधर उधर करते हो तो आप लोगों को सिर्फ $1 की फीस लगेगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिकम कॉन्ट्रीब्यूटर, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फास्टेस्ट एंड स्केलेबल ट्रांजेक्शन, डिसेंट्रलाइज है, जीरो गैस फीस है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं आप लोगों को, क्या क्या और भी चीज़ें हैं। डिस्कवर द प्रोजेक्ट ऑन बिटगैट चैन, कनेक्ट फाइनेंस, मिडास NFT मार्केट प्लेस, ब्राइज स्वैप, आइसक्रीम स्वैप। ये चार चीज़ें इन्होंने की है अब तक। डिस्कवर द प्रोजेक्ट ऑन बिटगॉट चैन। एंड गाइस, जो इसके अलावा यहाँ पर आप लोग इस पर स्टैकिंग कर सकते हो। स्टैकिंग के अंदर आप लोगों को 6% का रिटर्न मिलता है 30 days के अंदर सिर्फ। अगर आप लोग के पास बिटगैट है तो आप स्टैक कर सकते हो। एंड डीफाई इकोसिस्टम में आप लोग देख सकते हो इनका एक छोटा सा वाइट पेपर है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना छोटा वाइट पेपर क्यों बनाया है, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें और भी है जो यहाँ पर अभी समझ नहीं बाकी है। उसके अलावा सप्लाई की बात करें, 1 quadrillion इनकी सप्लाई है, जिसमें से अभी तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 427 trillion अभी मार्केट में अवेलेबल है। प्राइस की बात करें 0.4x03109 का प्राइस चल रहा है। 21% यहाँ पर 0.21% डाउन है लास्ट 24 hours के अंदर। और जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा अभी तक यहाँ पर ये डाउन जा चुका है। अगर हम प्राइस की बात करें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑल टाइम हाई से 78% डाउन है। और गाइस, जब से ये स्टार्ट हुआ था तो 63,331% का इसने एक ह्यूज रिटर्न्स भी यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड किया था। बट क्या अभी के टाइम पे इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना सही रहेगा? कुछ चीज़ें यहाँ पर ये नहीं कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इथर, शिप, BNB, BUSD, मैटिक, ये यहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर अपने लेकर के आ चुका है, जो कि इनने 12 घंटे पहले अपडेट दिया है। इनका टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। प्लस ब्राइज ने कहा है कि उन्होंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है वो कॉइन मार्केट कैप को वेरीफाई सर्कुलेटिंग सप्लाई के लिए। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर हमें यहाँ पर हजम नहीं होती, सप्लाई इसकी बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम पे मैं बिटगैट के अंदर अभी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करूँगा। और प्लस मुझे यहाँ पर कुछ रिव्यूज़ के देखने को मिले हैं, जहाँ पर देख सकते हो ब्राइज इज़ ए गुड स्कैम कॉइन। एंड यहाँ पर नीचे भी अगर आप लोग देखो तो अनदर डैपिक पोंजी स्कैम, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ रिव्यू ऐसे देखने को मिले हैं इसके बारे में। और भी हमारी रिसर्च चल रही है एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल के आएगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल मैं इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल।